हेलो स्टूडेंट, मैं अजय सर और मेरे चैनल का नाम है अजय ट्यूटोरियल। मैं कर रहा हूँ आपकी मुश्किलें आसान, क्योंकि मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों की डिफ़िकल्टीज़ को, फिज़िक्स में आने वाली डिफ़िकल्टीज़ जो तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम सामने है। अभी 27th को है तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम, तो उसके लिए मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ वो ट्राई कर रहा हूँ और बच्चों के डिमांड पर कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ होती है थर्ड चैप्टर की इस वाले डेरिवेशन में, जो इम्पोर्टेंट मोस्ट डेरिवेशन है और 3 to 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो इसका हम लोग चलो सॉल्व करते हैं फटाफट। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस आज का टॉपिक, चैप्टर नंबर 3, स्टैंडर्ड 12th। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी पहली बात तो हमको समझना पड़ेगा, कुछ गैस के बिहेवियर को समझना पड़ेगा, तब प्रेशर फाइंड कर पाएंगे। बहुत बार तुम भी सोचते होगे कि सर इसमें कोई गैस का प्रेशर, क्योंकि हम लोग नॉर्मली एटमोसफियर में देखें तो गैसेस स्प्रेड हो गई है, गैसेस का मतलब कुछ एक फिक्स वॉल्यूम जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक उसका प्रेशर भी मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट कैसा दिया गया है, देखो ये बॉक्स के अंदर ना, बॉक्स के अंदर ये मॉलिक्यूल्स कंसिडर किए गए हैं। किसके? गैस के मॉलिक्यूल, मतलब एक गैस को पैक कर दिया गया है इस बॉक्स के अंदर, राइट? तो गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर पैक हो गए, ऐसा समझ लो। ओके, अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर मेजर करना है तो पहले तो हमने क्या किया, वॉल्यूम फिक्स कर दिया। और ये बॉक्स जो है उसका लेंथ, एक साइड का लेंथ, साइड ऑफ ईच, नहीं हाँ लेंथ ऑफ ईच साइड इज एल। तो एल कंसिडर किया गया, तो तुम जानते हो क्यूब, एक बॉक्स के अंदर 6 फेसेस होते हैं, तो उसमें कोई भी एक फेस पर अगर हम लोग प्रेशर फाइंड कर लेते हैं तो हम लोग सिमिलरली, क्योंकि ये क्यूबिकल शेप में है, सभी साइड्स इक्वल एरिया वाली है और इसके अंदर का वॉल्यूम क्यूब, वॉल्यूम मतलब क्यूब जो भी है, ठीक है। तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है प्रेशर फाइंड करना, प्रेशर तक हम कैसे जा रहे हैं ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो इस डायग्राम के अंदर और भी बहुत कुछ है, वो थोड़ा समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। एक बार डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट खत्म हो गया, तो तुम जब इस डेरिवेशन को लिखने बैठोगे तो इस डेरिवेशन को जब लिखोगे तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, इसको डिस्क्राइब करना है बहुत अच्छे से। डिस्क्राइब क्या करोगे, ये डायग्राम में पहले तो हमने एक बॉक्स कंसिडर किया है और या फिर एक क्यूब कंसिडर किया जिसका एक साइड का लेंथ कितना है, एल है। मतलब सबसे पहला पार्ट है तुम्हारा ये डायग्राम, डायग्राम जो कि तुमको सामने दिख रहा है, राइट। और सेकेंड नंबर पे आएगा डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन तुम ओन वर्ड यूज़ कर सकते हो एक बार डेरिवेशन समझ जाते हो तो, राइट। और डायरेक्टली उसके बाद मेजर वाला पार्ट करेंगे हम लोग, जो डेरिवेशन का पार्ट है वो मैं बताता हूँ। इस बॉक्स के अंदर हो क्या रहा है, देखो एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया, मैंने बोला बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है बट हमने आइडेंटिकल मॉलिक्यूल कंसिडर किया। यहाँ पे आइडियल गैस कंसिडर किया है ना, तो आइडियल गैस के लिए हम लोग होता है कि सभी मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल से, वैसे भी किसी भी गैस के मॉलिक्यूल आइडेंटिकल ही होते हैं। यहाँ पर बिहेवियर से इसका लेना देना है, ये आइडियल गैस का बिहेवियर रखता है ये बॉक्स के अंदर जो गैस को पैक किया है। ओके, अब चलो सिंपल वर्ड्स में इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे क्या करना है। अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम मेरे ये सब चीज़ों को समझ पाओ, मतलब बोलते ना कि एक्स्ट्रा टाइम जाएगा तो तुम बोलोगे सर इतना लंबा नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं छोटे में तुमको समझाता हूँ। चलो देखो, एक मॉलिक्यूल पहले प्रेशर फाइंड करना है, तो एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया, जैसे यहाँ बॉक्स के बाहर बताता हूँ, एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर लिया। ये मॉलिक्यूल में 3 साइड हो गए, 3 साइड मतलब एक्स वाई जेड के अलॉन्ग इसकी वेलोसिटीज़ है, एक्स वाई जेड, राइट। एक्स वाई जेड के अलॉन्ग इसकी वेलोसिटीज़ है, मतलब 3 कंपोनेंट्स है इसके वेलोसिटी के, राइट। वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स है यहाँ पर। तो हमने कंसिडर किया है कि ये मॉलिक्यूल जो है वो एक वॉल की तरफ बढ़ रहा है। मैं यहाँ पर नेमिंग भी कर सकता हूँ वॉल का, ABCD, राइट तुम भी कर सकते हो थोड़ा सा एडिशनल। तो एक इसमें तुम्हारे बुक में शेडेड वॉल बोला है, तो शेडेड वॉल किससे अच्छा हम वॉल ABCD ऐसा नाम लेंगे, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल बढ़ रहा है वॉल ABCD की तरफ, राइट। ओके, अब इसके अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर 3 वेलोसिटीज़ है, देखो मैं समझाता हूँ। 3 वेलोसिटीज़ कंपोनेंट मतलब अलॉन्ग 3 डायरेक्शंस है यहाँ पर। तो ये है VX, VY, एक मॉलिक्यूल है तो 1 लिखता हूँ, राइट, और VZ, राइट। ये वन मॉलिक्यूल के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए हम बातें कर रहे हैं ना, बाद में मल्टीप्लाई करके कितने मॉलिक्यूल बना लेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, तो अब ये मॉलिक्यूल इस वॉल की तरफ बढ़ रहा है, ध्यान देना थोड़ा, इस वॉल की तरफ बढ़ रहा है और ये जाके यहाँ पर कोलाइड होता है, ये जाके इसके साथ टकरा जाता है। और टकराने के बाद क्या सिचुएशन होती है वो देखो, टकराने के बाद सिचुएशन ये होती है कि अब मॉलिक्यूल ना रिटर्न आ रहा है, लेकिन उसका एक्स वाई कंपोनेंट में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, एक्स वाई कंपोनेंट वैसे ही है, सिर्फ सॉरी जेड और वाई मतलब जो कंपोनेंट, ये तो एक्स के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो एक्स तो रहेगा ही,
एक्स वन, अब देख सकते हो ये वाई कंपोनेंट और ये जेड कंपोनेंट, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ इसमें क्या चेंज हुआ, ऐसे एक्स डायरेक्शन में जा रहा था अब वो रिवर्स हो गया, मतलब मैं इसको अगर पॉजिटिव कंसिडर करता हूँ, इसको नेगेटिव, अब क्या करना है इसमें मोमेंटम लिखना है, तो मोमेंटम वन, इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम वन इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मतलब वी एक्स वन, राइट, एंड फाइनल मोमेंटम मतलब आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, आफ्टर कोलिजन, ओके थोड़ा सा मैं स्पेस लेता हूँ यहाँ पे लिखने के लिए, देखो आफ्टर कोलिजन मतलब वॉल से टकराने के बाद क्या हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो जा रहा है, कितना हो रहा है ये देख रहे हो, नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है वेलोसिटी, तो मैं कंसिडर करूँगा मास इंटू वेलोसिटी वन, बट यहाँ पे क्या लगाऊंगा माइनस, तो ये दो इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम दोनों हमने फाइंड कर लिया है यहाँ पर, अब क्या करना है इसमें चेंज फाइंड करना है कि ये मॉलिक्यूल का मोमेंटम कितना चेंज हुआ, तो चेंज इन मॉलिक्यूल सॉरी चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम कितना आ रहा है, देखो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, राइट, सो हमारा फाइनल मोमेंटम था माइनस एम वी एक्स वन, वन क्यों लिख रहे हैं क्योंकि वन मॉलिक्यूल के लिए फाइंड करें जो कि एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी ले रहे हैं, राइट, इसके लिए वन एक्स वन लिया हमने, राइट, ओके माइनस एम वी एक्स वन मतलब इनिशियल मोमेंटम, अब चेंज फाइंड करोगे तो यहाँ पे माइनस है, इसकी वजह से ये क्या हो रहा है प्लस हो जा रहा है टू एम वी एक्स वन, राइट, तो ये हमारा एक तो चेंज इन मोमेंटम मिल गया, लेकिन ये मोमेंटम किसका है, दिस इज चेंज इन मोमेंटम फॉर मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल में जो नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव मॉलिक्यूल, नेगेटिव साइन से क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि लॉस ऑफ मोमेंटम हो रहा है, मतलब मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है मोमेंटम, तो जब ये मॉलिक्यूल लॉस करेगा मोमेंटम तो मतलब कौन गेन करेगा, ये शेडेड वॉल या फिर ए बी सी डी जो वॉल हमने कंसिडर किया है, ये वॉल गेन करेगी, मॉलिक्यूल उस पर टकराने वाला मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, उसको लॉस कर रहा है, वो उतना मोमेंटम लॉस कर रहा है, तो ये क्या करेगा, गेन करेगा, सो देयरफोर मोमेंटम गेन गेन्ड बाय द मॉलिक्यूल सॉरी वॉल, मॉलिक्यूल का तो हो गया, वॉल इज प्लस टू एम वी एक्स वन, समझे, इसको इक्वेशन टू ले लो, कहने का मतलब ये माइनस है ये प्लस, ये लॉस कर रहा है दूसरा गेन कर रहा है, अब मोमेंटम क्यों फाइंड कर रहे पता, मोमेंटम से फोर्स मिलेगा और फोर्स से प्रेशर मिलेगा, तुमको भी पता है ये बहुत इजीली, तो अब हम फाइंड करते हैं टाइम, टाइम भी चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, तो टाइम भी चाहिए इसमें, अब समझ लो यहाँ पर टाइम तो बहुत ईजिली समझ जाओगे, ये मॉलिक्यूल देखो यहाँ गया टकराया, डायग्राम में देखो टकराया और वापस आके मतलब L जितना इसका साइड का लेंथ है ना उतना जा रहा है और फिर से वापस आ रहा है, मतलब दो कोलिजन के बीच में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 2L, मतलब कोलिजन से स्टार्ट करना, यहाँ से देखो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये कोलाइड हुआ एक बार, कोलाइड होने के बाद वापस गया और जितना भी बॉक्स जितना बड़ा होगा उतना बड़ा वो उतना डिस्टेंस कवर करेगा, तो L डिस्टेंस है वहाँ पर, वहाँ जाके फिर से इसी वॉल पर आता है, मतलब दो कोलिजन के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया 2L, राइट, तो ये समझ के रखो, हाँ देखो अब यहाँ लिखते हैं हम लोग टाइम बिटवीन टू कोलिजन इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस मतलब 2L अपॉन वेलोसिटी वी एक्स वन, राइट, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर थ्री, नाउ फोर्स, फोर्स ड्यू टू मॉलिक्यूल वन इन एक्स डायरेक्शन इज गिवन एज फोर्स इज इक्वल टू एफ एक्स वन लिखता हूँ इसको या फिर डायरेक्टली फोर्स ही लिखता हूँ, ध्यान देना, तो चेंज इन मोमेंटम मतलब टू एम वी वन वी एक्स वन अपॉन क्या
टाइम, टाइम कितना है 2L/Vx1। तो चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2mvx1 इंटू क्या आ जाएगा, Vx1/2L, कैंसिल होने जैसा है तो कुछ कैंसिल करो, कैंसिल करते हैं, देखो 2 कैंसिल, तो क्या बचता है, ये स्क्वायर हो जाएगा Vx, तो mvx1/2L। तो ये हो गया एक की वजह से, राइट। अगर मैं फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखूँ, फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, देखो m/L Vx1 square Vx2 square Vx3 square plus up to Vn, राइट, Vn Vxn square, मतलब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हिट करते हैं उस वॉल को x डायरेक्शन में, तो ये ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, मतलब फोर्स जो आएगा, अभी देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या चेंज हो रहा है, अभी ये इसको मैं ऑल टुगेदर क्या लिख सकता हूँ, m upon l average mean square velocity, बट यहाँ पे और क्या आने वाला है, n भी आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कैसे लिखा मैंने, देखो ध्यान देना, सिंस मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू, सबको प्लस करना है जो ब्रैकेट में लिखा है वी एक्स वन स्क्वायर, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, स्पेस नहीं है, एक्स एन स्क्वायर अपॉन एन, ऐसे ही होता है ना एवरेज निकालते। तो अब अगर तुम इस ब्रैकेट को अलग कर रहे हो, इस वाली लाइन को, तो मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये ब्रैकेट को निकाल के ये रिप्लेस कर दिया, समझ गए। ओके, फोर्स फाइंड कर लिया हम लोगों ने इन एक्स डायरेक्शन, राइट, तो सिमिलरली प्रेशर भी मिल जाएगा। सो प्रेशर का फॉर्मूला होता है, प्रेशर पी इज इक्वल टू, पी एक्स की बात कर रहा हूँ, m/L n V² अब देखो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये हो गया फोर्स अपॉन एरिया, एरिया मतलब l का स्क्वायर, समझे, तो ये हो जाएगा m L³ n V² मीन, ठीक है। तो प्रेशर हमने तो निकाल लिया, प्रेशर इज इक्वल टू m L³, और इसमें देखो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग हमने कंसीडर किया है कि सभी का प्रेशर कैसा होगा, सेम होगा सभी डायरेक्शन में, राइट, सभी डायरेक्शन में प्रेशर सेम है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये एक्स डायरेक्शन के लिए आया ना अपना सब कुछ, तो एक्स डायरेक्शन में एवरेज था, एक्स डायरेक्शन में एक पॉइंट और, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, एक पॉइंट और बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर ऑल डायरेक्शन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल वेलोसिटी वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, मतलब हम क्या करेंगे, सबका एक साथ ले लेंगे यहाँ पर, और इसमें ये समझ में आ रहा है कि वी और वेलोसिटी सभी डायरेक्शन में सेम रहने वाली है, तो मैं सबको क्या कंसिडर कर लेता हूँ, वी एक्स कंसिडर कर लेता हूँ, क्योंकि सबका इक्वल है वेलोसिटी, राइट, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, राइट, क्योंकि सेम है, आइडियल गैस में हमने कंसिडर किया है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो 3Vx² राइट, तो अब बोलोगे तुम Vx² इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/3 ये रूट स्क्वायर वाली वेलोसिटी, बराबर। अब इससे मैं क्या बताना चाहता हूँ, हमने x के लिए बता दिया, मतलब यही फॉर्मूला Vy के लिए भी है, Vz के लिए भी है, राइट, समझ गए होगे, Vy और Vz के लिए सेम फॉर्मूला आ रहा है, ओके, मतलब हमने क्या प्रूव किया, अभी भी बताता हूँ, Vx² इज इक्वल टू Vy² इज इक्वल टू Vz² इज इक्वल टू 1/3 एवरेज वेलोसिटी, ओके। अब मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ इस x को किसके साथ में, ये नंबर के साथ में, राइट, तो यहाँ पे Px इज इक्वल टू, फॉर्मूले में क्या दिख रहा है, m L³ n तो पहले से है, और Vx की जगह पे क्या लिखना है, 1/3, तो 1/3 वहाँ लिखना अच्छा नहीं होगा, बीच में अच्छा क्या लिख सकते हैं, बट मुझे थोड़ा एक स्टेप कम करना है,
राइट एम एल एन, अब क्या लिख रहा है यहाँ पे वी स्क्वायर, ओके मतलब ये आ गया है डायरेक्टली हमको टोटल फोर्स आ गया, टोटल प्रेशर आ गया यहाँ पर। तो फाइनली इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, सो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 एन स्मॉल एम एल क्यूब वी स्क्वायर, राइट। अब इसको और कुछ कर सकते हो, थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, क्या चेंज कर सकते हो, देखो P इज इक्वल टू 1/3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, क्या हो जाएगा टोटल मास ऑफ गैस अपॉन ये एल क्यूब, क्या है वॉल्यूम है, राइट वॉल्यूम है, और ये स्क्वायर मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, राइट। तो अब देखो 1/3 ये वॉल्यूम को डेंसिटी लिख सकते हैं, राइट डेंसिटी। तो अब लिख रहा हूँ मैं ये प्रेशर, तो यहाँ तक हमने किया तो प्रेशर का इक्वेशन बन गया, राइट। तो अभी देखो एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ तुम्हारे लिए, यहाँ पर क्या याद रखना है, पहली बात हमको क्या करना है पहले, अच्छा चलो स्ट्रक्चर एक साथ बताता हूँ, बाद में तुम रिकैप करके देख सकते हो स्ट्रक्चर क्या है। पहले हमने मोमेंटम फाइंड करना है, रिवाइज करा दे रहा हूँ इसी वीडियो में, राइट। पहले मोमेंटम फाइंड करना है, एक मॉलिक्यूल यहाँ से गया और वो हिट किया वापस आया, तो मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम कितना था वो अपॉन टाइम लिखना है, टाइम भी फाइंड कर लेना है, तो इससे क्या मिल जाएगा फोर्स, और फोर्स से मिल जाएगा फोर्स अपॉन एरिया करेंगे तो मिल जाएगा प्रेशर, समझे। पूरा स्ट्रक्चर यही है, बीच में क्या एक्स वाई का जो डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा इसको एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अच्छे से आ जाएगा, और ये आ गया तो 3 मार्क्स तुम गेन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 मार्क्स में कभी कहीं पर भी पूछ सकता है इसको, राइट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और जो भी अब इसके एप्लीकेशंस मैं अलग वीडियो में करूँगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, राइट। तो फिर भी नहीं समझ में आया तो आप लोग डाउट या कुछ ऐसे मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैं इसको फिर से और अच्छे से एक्सप्लेन और शॉर्ट में एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा, लेकिन मैंने जो भी ये अभी बताया मिनिमम जो पॉसिबल होता है उसी के अकॉर्डिंग तुमको बता दिया है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, चलो बाय बाय, थैंक यू।